पुलिस को पा निश्चित रूप से जो सीसीटीवी लगे हैं कई बार जो है उनका बहुत इस्तेमाल होता है, और इसके माध्यम से हम लोगों ने कई जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे गायब हुए थे उनको जो है 12 घंटे में, 14 घंटे में, 15 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में वापस किया है, उनके परिवारजनों से मिलाया है, केवल सीसीटीवी से उनको ट्रैक करके। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ अनिल। राजधानी पटना में तीसरी आंख काफ़ी कारगर साबित हो रही है, और ऐसे में अगर बात करें तो यातायात को सुगम बनाने से लेकर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब तीसरी आंख काफ़ी कारगर साबित हो रही है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया है कि कई आपराधिक घटनाओं में सीसीटीवी की मदद ली गई है, जिसमें उन्हें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है। ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम अगर बात करें तो राजधानी पटना में लगभग 3500 कैमरे हर एक चौक चौराहों पर चप्पे चप्पे पर लगाई गई है, जिसके द्वारा यातायात पर लगाम लगाने से लेकर अपराध नियंत्रण को लेकर भी ये कैमरे काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो कई घटनाएं ऐसे हैं जो राजधानी पटना में घटित हुई, जिसका कि सफल उद्भेदन इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए कर दिया गया है। वहीं कई मामले ऐसे हैं अभी भी उस पर पुलिस की जांच अनुसंधान का चल रही है। ऐसे में क्या कुछ कर रहे हैं पटना एसएसपी राजीव मिश्रा, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। उसमें जो है उसमें भी इनिशियली कुछ लीड मिला था, और उसी लीड के आधार पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था कि इसके पास से कुछ अवैध हथियार भी मिले थे, लेकिन फर्दर जो डॉट्स थे वो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो सिटी एसपी पूर्वी को कहा गया कि इस तरह से पुलिस मुख्यालय किस तरह से भी ऐसे केसेस की मॉनिटरिंग हो रही है कि जो ठीक से उद्भेदित नहीं हो पाए हैं पिछले 6 महीने 4 महीने में, तो जो भी इस तरह की घटनाएं हैं जिनका उद्भेदन नहीं हो पाया हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो भी चीज़ें छूट गई हैं उनको फिर से जो डॉट्स कनेक्ट कर सकें और उनका उद्भेदन कर सकें। डॉक्टर साहब जो लापता हुए, पुलिस को निश्चित रूप से जो सीसीटीवी लगे हैं कई बार जो है उनका बहुत इस्तेमाल होता है, और कई बार जो पब्लिक डोमेन फिर से हम कहेंगे जो मीडिया में जाता है कि सीसीटीवी फुटेज से हमने पहचान की, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं अनुसंधान में जो सीसीटीवी हम लोग को मदद करता है। सारी चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते अनुसंधान की नीटी ग्रिटी, नहीं तो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, लेकिन सीसीटीवी से बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आप देखेंगे हम लोगों ने हमारे ट्विटर पेज आप देखेंगे तो सीसीटीवी के माध्यम से हम लोगों ने कई जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे गायब हुए थे उनको जो है 12 घंटे में, 14 घंटे में, 15 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में वापस किया है, उनके परिवारजनों से मिलाया है, केवल सीसीटीवी से उनको ट्रैक करके। कई घटनाएं जो गंभीर घटनाएं हुई इसमें अपराधियों की पहचान हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा भी कई तकनीकी, केवल सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी की मदद से और जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसको भी हम लोगों ने कोरिलेट करके कई बार घटनाओं में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है या सामान की बरामदगी की है। आपको याद होगा एक घटना चेन स्नैचिंग की हुई थी जिसमें अभियुक्त को हम लोगों ने मसौढ़ी से पकड़ के लाया था। तो ये हाँ, तो बहुत इस तरह का ऐसा नहीं है, सीसीटीवी का बहुत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और ट्रैफिक में जो होता है, ट्रैफिक भी जो है डिसिप्लिन लाने में और जो अपराधियों को प्रिवेंट करने में, अपराधियों के मन में भय पैदा करने में सीसीटीवी जैसी चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल है, और पटना पुलिस जो है हम लोग उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर सी बात है, जिस तरह से तमाम राजधानी पटना के चौक चौराहों पर अब सीसीटीवी कैमरों के जरिए यातायात के नियमों का पालन कराने के साथ साथ आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए ये तीसरी आँख काफ़ी कारगर साबित हो रही है, और वहीं अपराधी के घटना अंजाम देने के बाद कहीं ना कहीं इनके साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पुलिस पहुंचने में कारगर साबित हो रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।